गो फॉर बोथ। Anyone can fix it with proper tools and he just has to be smart enough. Ahuja. Automobile. Yeah, and see that? Age E पे आ गया है, आप टॉप अप करा लो। मेरी बाइक का नाम रखना चाहिए था दुई नाली बंदूक लगती है राइफल। So loud, it's like definitely loud. You know, with a DB के लिए sounding so premium and neat. What is up? What's cooking, my YouTube family? What's going on? I hope everyone's doing fine. Aaj hai wo din. Yes, finally that day has arrived. Which day? Exhaust. Yes, har biker ka dream. A good exhaust, especially if you have, you know, parallel twin or inline single cylinders. I mean, depends if you're going on a trail. Subscribers ke liye kuch special karun. ये नहीं है कि मैं आज का जो वीडियो बना रहा हूँ एग्जॉस्ट का, यही एग्जॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल होगा। मैं सोच रहा हूँ 2 से 3 एग्जॉस्ट के बारे में पूरी जानकारी के साथ आप लोग के लिए व्लॉग बनाऊं। द रीजन इज वेरी सिंपल, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लेना चाहिए या स्लिप ऑन, ये है बेसिक टॉपिक। और ये दोनों एक्सपेरिमेंट होंगे अपनी सुपर मीटियोर 650 पे। यस, सो आज लगाने वाले हैं फुल सिस्टम बाय SS मोटोकॉर्प। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, चेक दिस आउट। दे आर वेरी नोन इन मुंबई फॉर देयर परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट। वैसे GT 650 पे जो इनके कोन्स हैं वो अच्छे दिखते हैं, बट फॉर सुपर मीटियोर इट डज नॉट लुक गुड। सो इसी बात पे नए एग्जॉस्ट बने हैं, यस, फुल सिस्टम के साथ। दिस इज स्टेनलेस स्टील। आई थिंक बातें यहाँ नहीं करते क्योंकि आज एक गुड न्यूज़ ये है, माइक लग चुका है अपनी RC सुपर मीटियोर 650 की, आ चुकी है। समर शेड्स आर ऑन, समर क्लोथ्स आर ऑन, पर इस गर्मी को मारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुझे खाना या छाछ पीना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं पीऊँगा अभी मोटर व्लॉग सेशन पे। सो चलो, जानना नहीं चाहोगे सारा शूटिंग गेयर कहाँ पे फिट होगा? ये स्ट्रिप मशीन के बैग में जो बाइक पे लगा है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये अभी भी फूटी हुई है। यस, यू कैन सी मेरा हाथ पूरा अंदर जा रहा है। ओरिजिनल एग्जॉस्ट का, स्टॉक एग्जॉस्ट का साउंड सुन लो। कैमरा इसमें जाएगा। 10% ऑफ, यूज Raj 10 ऑन ट्रिप मशीन, बूट्स, बैग्स, वॉट एवर यू वॉन्ट। या मेरा टैंक बैग भी बहुत अमेजिंग लग रहा है। सो इसीलिए मैं मोटो व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि उसी माइक पे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा एक्चुअल ऑडियो ऑफ द एग्जॉस्ट। मैं हूँ राज, आपका मोटो जॉकी, और सच बताना ऑडियो कैसा लग रहा है? पूरा सेटअप फाइनल हो चुका है मोटो व्लॉग का। तो ये अपना कुछ सेटअप है, बहुत ट्रैफिक मिला मुझे उधर, एंड लिटरली सिग्नल पे टपक 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 पसीने मेरे टपक रहे हैं कि स्लिप ऑन्स वर्सेस फुल सिस्टम। अब जो स्पोर्ट्स बाइक्स होती है, प्रीमियम बाइक्स, आई एम टॉकिंग इनलाइन 4 हो गए, ट्रिपल हो गया, या यू नो पैरेलल ट्विन्स भी हो गए, पावरफुल वंस, फुल सिस्टम हमेशा इसलिए डाला जाता है कि द ब्रीदिंग बिकम्स बेटर। ऑल्सो ज़्यादा करके लोग जो पाइप की विद है, बोर बेसिकली जिसे हम बोलते हैं, वो काफ़ी बड़ा डालते हैं। सो जो फोर्थ स्ट्रोक है एग्जॉस्ट का, विच इज़ द आउटलेट, गोज मच बेटर एंड परफॉर्मेंस काफ़ी मिलता है। अब सुनने में आया है कि इससे 3 से 4 BHP भी इंक्रीज़ होता है। दैट मीन्स योर एवरेज वुड गो लो। यस, इट वुड गो लो, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर राइडिंग स्किल्स। जैसे अभी मैं सिटी विटी में चला रहा हूँ या हाईवे पे चला रहा हूँ, मैं इतना एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये आपको बता दूँ, SS मोटोकॉर्प का भी पहला सुपर मीटियोर 650 का एग्जॉस्ट होगा। दे हैव बीन ऑलरेडी सक्सेसफुल व्हेन इट कम्स टू इंटरसेप्टर और GT 650, जो ये कर चुके हैं पास्ट में, जिसकी साउंड बहुत अच्छी है। दे डू पुट अ हैच माउंट। हैच माउंट बेसिकली जो बेंड पाइप ऊपर से सिलेंडर से स्टार्ट होते हैं वहाँ पर लगे हुए होते हैं, और वो ये इसलिए डाला जाता है कि गैसेस ट्रांसफ़र हो और थोड़ा ऑडियो को कम किया जाए। कैटलिक कन्वर्टर बेसिकली जो हर एग्जॉस्ट में दिया जाता है एमिशन लॉक के हिसाब से, वो एलिमिनेट हो जाता है, एंड इसीलिए ये हैच माउंट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो अब पूरी चीज़ देखते हैं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। मेरा मेन मकसद है एंड कैंस। आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। फिलहाल हमारा जो स्टॉक पाइप्स आते हैं ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, दे कैन टेक ऑप्टिमम हीट, इसीलिए MS यूज़ किया जाता है। बट समझो काफ़ी टाइम बाद पानी लग के
ये करोज होने लग जाता है. ऑब्वियसली दे हैव बीन वेरी वेल कोटेड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग फॉर क्रोम जो इस पर किया जाता है. स्टॉक एग्जॉस्ट की बात कर रहा हूँ. और जो स्टील एग्जॉस्ट है वो थोड़ा ब्रश्ड एल्यूमिनियम लुक मैंने उसको बोला इस बार रखने को क्योंकि आई लाइक दैट. तो एक्साइटमेंट बहुत है इसीलिए मैं आप लोग से इतना बात कर रहा हूँ. और ट्रैफिक और गर्मी तो नेक्स्ट लेवल है. सो या दिस इज़ इट आई थिंक. अब बस हाईवे मिलेगा, थोड़ा हाईवे क्रूज़ करते हैं. मैं लॉन्ग टूर पे निकलूँगा इवन इफ़ इट्स गोवा साउथ और नॉर्थ और दिल्ली और एनी वेयर. एग्जॉस्ट में डीबी किलर डाल के ही जाना पड़ेगा. तो ये सारे सरप्राइजेस मेरे लिए भी है. ये देखिए ऐसे खड्डे आते हैं ना पूरी बाइक हिल जाती है. एग्जॉस्ट इज गोना साउंड. अरे रे रे वाह हाउ दिस एग्जॉस्ट गोना साउंड. स्पेशली जो इसके एंड कैंस हैं देखते हैं कैसे दिखते हैं. ओए लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, इतनी धूप में पसीने निकलते हुए हम पहुंच चुके हैं SS मोटरकॉर्प मरोल में. राज इंडस्ट्रियल एस्टेट करके है ये जगह. एंड आते ही देखो क्या नज़ारा मिला है. होली मैक्रोनी, लाइक दिस इज अ ट्रीट. स्पीड ट्रिपल 1050 इधर खड़ी है. मैं इतना एक्साइटेड उसको देख के. द राइडर इज ऑल्सो इनसाइड एंड एज यू कैन सी दिस इज वॉट दे डू थिंग्स. यू कैन सी दैट वेरी क्लियरली. एंड दिस इज देयर ओन मशीन. एडवेंचर देख के तो अपना दिल ऐसा हो जाता है. एंड वी हैव मिस्टर सौरभ हिमसेल्फ डॉटिंग हिज हैंड्स ऑन माय मोटरसाइकिल. तो मैंने इन लोगों को कहा कि मैं इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा. दे विल डू देयर वर्क. अभी पाइप्स बहुत गर्म है इसलिए वो कपड़ा यूज़ कर रहे हैं. एंड सीक्रेटिवली ये चेहरा भी कैप्चर कर लेते हैं. ऑरेंज पहना है मतलब KTM ना. देखो ये तो ट्रायम्फ है वैसे. एंड वी हैव 883 राइड हियर. क्रेजी बॉब्स हियर, स्ट्रीट्स हियर. डायना भी खड़ी है. और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आई एम गोना शो यू द रॉ फॉर्म ऑफ द SS बेंड पाइप्स. दिस इज द टॉप हेड. सॉरी अबाउट द ऑडियो, थोड़ा पंखा वंखा है. SS मोटोकॉर्प क्वाइट नोन फॉर द स्टील. अभी पता चला है सौरभ से 304 है विच इज़ क्वाइट अ गुड क्वालिटी. रस्ट नहीं लगेगा. ये बेसिकली एच माउंट है गैसेज एक्सचेंज करने के लिए जो मैंने ड्यूरिंग माई मोटर ब्लॉग समझाया था आपको. सो इससे थोड़ा वॉल्यूम भी कम हो जाएगा. दिस विल गो इन द हेडर्स एंड प्योर स्टील क्वाइट अ रॉ फिनिश. इसको साफ किया, पॉलिश किया एंड सॉर्टेड. दीज आर मिड पाइप्स जो बीच का है मीटियोर का, सुपर मीटियोर 650 का. और ये सब जब लग जाएगा ना, इसकी जो फिट इन फिनिश होगी ना ये बहुत ही ज़बरदस्त होगी. इस तरीके का है जो काफ़ी लाइट है. आइडिया हाउ मच डज इट वे? 18 किलो, 18.6 और ये 10 किलो. तो मतलब 8-8.5 किलो के आसपास मैं बचा रहा हूँ. सो काफ़ी लोगों का सवाल था जो मैंने एसेसरीज लगाई है, दे आर वेइंग अराउंड 8 किलोज. हियर यू गो द आंसर्स गिवन. आई हैव सेव्ड माय वेट बाय पुटिंग द एग्जॉस्ट. काफ़ी लाइट है कंपेयर टू दिस थिंग, बट डू इट्स नॉट दैट दे हैव कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. अब सारा मज़ा है, पता चलेगा हाउ इट साउंड. यू कैन सी इसका जो एंड टिप है वो हम बाद में चूज करेंगे. द बेस्ट पार्ट अबाउट SS मोटोकॉर्प, दे हैव टोल्ड मी दैट दे हैव, सो दे आर कमिंग अप विद दीज 3-4 एंड टिप्स जो आपकी चॉइस की डाल सकते हो. स्पोर्टी डालना है, चॉप टॉप डालना है लाइक हाली टाइप, या बैरल लुक देना है, या कोनिकल देना है. सो वो चीज़ पे वर्क होगा, बट अभी भी बिना उसके भी नीट लग रहा है. एंड डीवी किलर अभी आएगा ना इस पर. देखो ऑरेंज टी शर्ट में जो बंदा अपने को यहाँ मिला है ना, इज अ होल एंड सोल ऑफ KTM साकिना का. एंड गेस वॉट, आई बॉट माई KTM 390 एडवेंचर फ्रॉम हिज स्टोर एंड आई गॉट टू नो नाउ नाउ वी हैव फेमस स्टोर्स. या दैट्स क्रेजी. एंड द ट्रायम्फ जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था 1050, दैट इज हिज आहूजा ऑटोमोबाइल. आहूजा, करेक्ट, आई रिमेंबर दिस. सतीश ने मुझे आहूजा में हेल्प किया था. मेरे वीडियोस देख लेना. सो या दैट वाज द नेम आई वाज लुकिंग फॉर, आहूजा ऑटोमोबाइल. या एंड सो यू हैव वन इन अंधेरी ईस्ट साकिना का विच इज़ ह्यूज ह्यूज, क्योंकि सर्विस सेंटर भी पास में ही है मरोल में. एंड सर्विस सेंटर के लिए शाउट आउट अभिषेक मैन, रेमंड पॉइंट, माहिम. शोरूम दैट वी आर हैंडलिंग राइट नाउ एट थाने. थाने एंड वी हैव पनवेल. पनवेल एंड वी हैव कांजूरमार्ग विद अ वर्कशॉप एट विक्रोली. ओके, सो सुन लिया आप लोगों ने KTM फैंस. और आगे जाके पता नहीं कौन सी KTM आने वाली है, मे बी 2 साल बाद या क्या पता नहीं. 890 का भाई SS मोटोकॉर्प, फॉलो इट.
on Instagram. Details will be in my description. First and what goes out last. Right. So basically, if he's experienced enough and has all the tools, then it's a pretty easy, decent job. Basically, dismantle karega to samajh hi jayega aadmi. Kyunki you reverse engineer it, as you remove it, you're gonna fix the new assembly the same way. Correct, correct. So basically, he's saying nikalna aasan hai, dalna bhi aasan hai. Abhi इंस्टॉलेशन हो रहा है. सी द डिफरेंस बिटवीन एम एस एंड स्टील. अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन था, ये जो स्टील है ये आपने ऐसे रॉ रखा है, इसको कुछ यू पुट अ स्प्रे टू शाइन इट और व्हाट? या यू कैन यूज इट बेसिकली समथिंग लाइक अ यूटेंसिल, इट्स स्टेनलेस स्टील. करेक्ट. सो यू कैन यूज काटा, हम लोग काटा बोलते हैं ना उसको, डिश वॉशर और स्क्रॉच ब्राइट. करेक्ट करेक्ट. तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो किया था काटा करके, जो एक स्टील के बर्तन को साफ करने का होता है. मैं अपनी रॉयल एनफील्ड को चमकाने के लिए यूज करता था. So similar, he's saying because steel hai, 304, basically it gives a good look and itna sporty bhi nahi dikhega because iske jo barrel humne banaye hain end cans kafi acche banaye hain, bahut simple rakha hai design. So I like it. Abhi sound, even he is not heard it, to ye bahut mazedar cheez hai. Iske liye main do raat se soch raha hu kaisa sound hoga. Extremely hot aur ab finally you see the final installation is happening. अभी तक हमने सुना नहीं, we've not heard this. We are excited to hear it. But a whole steel finish looks so good. Basically it eliminates वो सब जो आगे heat shield वगैरह लगता है, वो सब eliminate, more performance based लगता है. Looks really neat. नहीं, no problem. So Saurabh is sweating, I am sweating, that guy is sweating. बहुत बुरा हाल है. Humidity बहुत ज़्यादा हो गई बॉम्बे में. Final time आ गया exhaust सुनने के लिए. ये डीबी किलर के बिना है, सो डोंट जज राइट नाउ, बट लेट्स हियर इट. ओके, फर्स्ट फायर अप. ओ अच्छा, ये चले हाँ, तो ऑडियो अच्छा है यहाँ प्रॉपर. सॉरी गाइस, थोड़ा फैन वैन ऑन है, बट आप लोग समझ जाओगे साउंड सुन के. शुड आई फायर इट अप? Bhai saab, it's so loud. It's like definitely loud. DB killer to dalna hi padega, pakka hai. But this is how it looks. ओके, सो लेते हैं टेस्ट राइड. ओ भाई साहब, बहुत लाउड है यार. पैरेलल ट्विन का रियल फील आ रहा है. भाई क्रैकल हो रहा है तो. ओके, मैं आपको समझ गया. मैं अभी चला के इसका क्रैकल सुनाऊंगा मैं जरूर. ओ भाई साहब, इट्स अ हेड टर्न आउट. इतना चला के आया फिर भी इतना गर्म नहीं है. स्टील का ये फ़ायदा है, दो डीबी किलर है बेसिकली. ये एक है जिसमें अभी भी थोड़ा लाउड साउंड आएगा, जो अच्छा आएगा, जो मैं अभी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ. एंड द थर्ड वन इज दिस. सो इसमें काफ़ी डैम्पनिंग होगा ना. सो स्टॉक से इसे अराउंड 20% हाई लाउडर. करेक्ट. सो स्टॉक से अगर 20% लाउडर चाहिए तो ये वाला डीबी किलर है. ओके, एट एसएस मोडोकॉप.
एंड अगर आपको थोड़ा लाउड चाहिए तो ये वाला डीबी किलर है, और अगर दोनों निकाल दोगे तो आप लोग ने ऑलरेडी सुन लिया कितना लाउड था। नाउ द थिंग इज, ये दो आप खरीद सकते हो, एक आता ही है, आपकी चॉइस का आ सकता है। आई वुड एडवाइस गो फॉर अ फुल डैम्पनर, या सो ये वाला है ना, दिस इज द स्टैंडर्ड वन, जिसपे साउंड थोड़ा अच्छा खासा आएगा जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा। इस मोटोकॉप का एग्जॉस्ट स्टेनलेस स्टील, दैट इज टॉक, द विड इज नियरली द सेम, यू कैन सी दैट, काफ़ी सिमिलर रखा है। इतना मोटा होना ज़रूरी है सो दैट द साउंड कम्स गुड, एंड दे आर पुटिंग ऑल ओरिजिनल फिटिंग्स ऑन इट। एक्चुअली लगने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ओके गाइस, नाउ दैट इज विद डीबी किलर। शेट यार, डीबी किलर के साथ क्या साउंड हो रही है यार, मच बेटर मैन। डिड यू हियर इट विद द डीबी किलर? साउंडेड बेटर, नो वर्ड्स मैन, आई एम शॉक्ड। हियर दिस गाइस, जस्ट हैव टू चेक हाउ रिस्पॉन्सिव इट इज, बट द साउंड इज मोर प्रीमियम, यू नो विद द डीबी किलर साउंडिंग सो प्रीमियम एंड नीट। Boy, oh boy. Okay, so I am too excited because this sound I have not heard with a DB killer. It sounds like this. So, boy, this is very controlled sound. What the hell? ये DB killer डालने के बाद power में difference भी आ रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत समझना पड़ेगा गाइस मुझे, अब कल कैसे भी हाईवे पे निकलना है ये बाइक लेके, मैं ऐसी जगहों पे तो चला ही नहीं सकता। गाइस आई एम सॉरी, एक और वीडियो आने वाला है, एक क्या बहुत सारे आने वाले, बिकॉज मेरी एक्साइटमेंट, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई है, क्योंकि ये साउंड जो मुझे ना, मुझे एक परफेक्ट साउंड चाहिए था। मैंने इंटरसेप्टर पे जो AW डाला था अच्छा था, बिना DB किलर ज़्यादा अच्छा साउंड होता था, आई थिंक इट वॉज 120 और समथिंग नंबर। चेक दिस, जब आपको वो पुल साउंड चाहिए, टॉर्क, ओनली व्हेन द टॉर्क कम्स इन द साउंड कम्स इन। आई डोंट थिंक सो, इसको कोई पुलिस को भी प्रॉब्लम होगी यार, इतना स्मूथ प्यारा साउंड है ना। तो गाइस वो जो तीसरा DB किलर है मैं तो नहीं ले रहा हूँ, आई मीन सौरभ गिविंग मी, बट ये चाहिए था साउंड। ये बिना DB किलर भी अच्छा है, बट मेरे हिसाब से बहुत लाउड है गाइस, आई विल बी ऑनेस्ट। अगर आपको लॉन्ग राइड पे जान, ये देखो मैं थर्ड गियर पे हूँ, स्मूथ, पता भी नहीं चलेगा कि आपने एग्जॉस्ट में चेंजेस किए हैं, एंड जैसे ही आई विल गो टुवर्ड्स द हाईवे एंड ये देखिए, अब मैं सेम जगह पे खड़ी करता हूँ। Yeah, so this is like a different roar. So आप लोगों को पता ही होगा, जब नया एग्जॉस्ट लगता है मोटरसाइकिल पे आदमी कितना एक्साइटेड होता है। अराउंड 80-90 किलोमीटर्स कल मैंने चलाया, बहुत थक गया, आज लेट भी उठाऊँ मैं। एंड येस, एंडिंग दिस व्लॉग ऑन दिस नोट, क्योंकि जस्टिस नहीं होगा अगर मैं सिर्फ एक ऐसे व्लॉग बना दूँ इस एग्जॉस्ट के बारे में, क्योंकि इतना कुछ है। सी दिस एग्जॉस्ट इज नॉट ओनली अबाउट साउंड, व्हाई आई वाज डूइंग सो मच साउंड इन द व्लॉग इज बिकॉज साउंड इज द फर्स्ट इम्पैक्ट विच मेक्स अ राइडर फील, बट मेन थिंग इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में काफ़ी कुछ चेंजेस मुझे फील हुए हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो
आई थिंक पार्ट टू या कुछ ऐसे बनाएंगे प्रॉपर रॉ साउंड और वट एवर जैज यू नो, बट बिकॉज मैं जो कल चलाया हूँ गाइज, और वो गर्म होने के बाद उसका साउंड और भी चेंज हो गया है. इट इज़ साउंडिंग सो मच लाइक हाली, यू नो, इट इज़ इट्स अ वेरी डिफरेंट साउंड. एंड थोड़ा आई वुंड से KTM DNA आ गया है बाइक में, बट यू कैन से दैट इट्स डिमांडिंग द गियर शिफ्ट नाउ. सो सारी बातें परफॉर्मेंस की बाद में होती रहेगी, बिकॉज अब मुझे एक प्रॉपर हाईवे पे राइड करके आप लोग को फील और ये सब करना है. एंड वीडियो आएगा सून, स्टे ट्यून. नेक्स्ट वीक धमाकेदार वीडियो और भी एग्जॉस्ट आने वाले हैं स्लिप ऑन रिलेटेड, वो भी वीडियो देखना. टिल देन ईट वेल, स्लीप वेल, बी गुड. साइनिंग ऑफ, राइड विद राज, एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड.